रिपोर्टिंग कर रहे देखो हमारी बिल्डिंग के बाहर आग में करो हाथ लाओ आगे हाथ लाओ हाथ तो लाओ तीनों लोग हाँ माशाल्लाह सिवाई और रगड़ा आ गया है रगड़ा पुलिस की गाड़ी भी खड़ी है पुलिस भी खड़ी है आप देख सकते हो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज है बकरा ईद तो सबसे पहले हमारी तरफ से आप सभी लोगों को बकरा ईद मुबारक और सुबह के देखो अब 6 बजने वाले हैं और मैंने शादी में नहा के रेडी हो गए देखो शादी में कुर्ता पजामा पहन लिया है मस्त वाला मैंने शर्ट और पैंट पहन लिया तो हम जा रहे हैं सबसे पहले नमाज पढ़ने और हमारी रुकैया जो है इसकी तैयारी कर रही है और हमारी अभी रेडी हो रही है अभी तो हम लोग नमाज पढ़ के आते हैं फिर मिलते हैं ना चलो पहले चलते हैं नमाज पढ़ने तुम जाना नहीं उनको उनको नमाज नहीं पढ़ना है अल्लाह हाफिज। तो अभी हम नमाज के लिए निकल गए हैं और काफ़ी सन्नाटा है हमें तो दिख रहे हैं और कोई दिख भी नहीं रहा है ना और कितनी सारी चिड़िया घूम रही हैं। हाँ तो फाइनली हम लोग नमाज पढ़ के आ गए हैं मस्जिद के बाहर हमने गले भी मिल लिया है और दूसरी जमात होने जा रही है ना हाँ दूसरी जमात होने जा रही है लेकिन हम वो नहीं पढ़ेंगे पढ़े हैं मस्ती करते हुए जा रहे हैं हमारी सोसाइटी में पुलिस की गाड़ी भी खड़ी है पुलिस भी खड़ी है आप देख सकते हो सिक्योरिटी लगी हुई है इनकी हमें अभी तैयार नहीं हुई है तुम तैयार हो गए ये अभी तैयार हो रही हैं तैयार होगा तो करूँगा अभी भाई बहन ईद मिल रहे हैं माशाल्लाह ईद मुबारक हमेशा खुश रहो एक दूसरे के साथ रहो और एक दूसरे को साथ साथ रहो एक दूसरे को सपोर्ट करो हमेशा खुश रहो ठीक है पहले ईद ही तुम बड़ी हो तुम दोगे उसको अरे नहीं हाँ अरे बहुत नोट रखे थे तो बहुत नोट रखे थे निकाले बहुत नोट इसके पास में अरे वाह अरे हाँ मेरे गुल्लक में देखोगे चौक आ गए गुल्लक में तो कहाँ से लाए इतना पैसा ये सारा ईद वाला जो ईद था ना सब बता ईद की ईद अभी तक रखी हुई है ईद की चोरी करी थी तो शादी ये है तुम्हारी माशाल्लाह मारिया ने शादी में कितना दिया 100 रुपीज अरे वाह भाई तो हमारी जानू आज ईद के दिन क्या क्या बना रही हैं सिवई रगड़ा मतलब वही मटर रगड़ा और बिरयानी मसाले वाली जो कि मैं नहीं खाऊंगा चिकन बिरयानी तो देखो यहाँ पे रखा हमारे पापा सालन चावल खाएंगे यहाँ पे रखा बन भी गया क्या सब सिवई बना है मटर यहाँ पे क्यों मेरी अलग है अच्छा मेरी सिवई अलग बनी हुई है पापा का मेवा नहीं खाते बाकी लोगों की सिवई अलग बनी हुई है मेवा वाली पापा का मटर और ये मटर भी बन गया है पापा का है ये कुर्ता पजामा ईद वाला है जो हमने सालिम ने ईद में पहना था और मारिया का यह नया ड्रेस आया है तो मारिया का ड्रेस कैसा लगा आप लोग कमेंट करना तो मेरे लिए सिवई और रगड़ा आ गया है रगड़ा खा पाऊंगा क्या इतना मोटा मोटा है सिवई खा के देखता हूँ तो अभी पापा इधर सिमाई खाने जा रहे हैं पापा कैसी है
अच्छी है आपकी मम्मी, सेवई बहुत अच्छा बनाती है हमेशा, तो हमेशा की तरह इस बार भी अच्छा सेवई बनाई है। झूठी तारीफ कौन कहेगा? तारीफ झूठी नहीं, सेवई अच्छा बनाती हो मम्मी। ये तुम्हारी बेइज्जती हुई कि तारीफ हुई, मेरे को नहीं समझ में। अगर मेरे शौहर ने तारीफ कर दी तो इसका मतलब सेवई अच्छी है। खाना अच्छा नहीं बना, खाना तो अच्छा नहीं बनाती भाई, झूठ नहीं बोलूंगी। और ये सिवाई बनाना किसने सिखाई पता है? किसने? दादी ने। दादी ने? ओ दादी, दादी दादी हमारी दादी, दादी और अच्छा बनाती है। आराम से मैं गरम हो गया, देखो ये भी सिवाई खाएंगे, इन्हें भी टेस्ट करना है। बड़ा बड़ा मस्त अच्छी बनी है। वाह, अब जब पापा और शादी ने बोल ही दिया तो मतलब अच्छी बनी है। मैं रगड़ा खा रहा हूँ, और बहुत लोग जो मुंबई से बाहर रहते हैं वो बोलते हैं रगड़ा क्या है, तो जो मटर होता है मटर वो गला के बनाया जाता है, उसी को यहाँ मुंबई में रगड़ा बोला जाता है। पर मुझे रगड़ा बहुत पसंद है, बहुत जगह मटर बोलते हैं। तीखा लगेगा यार, थोड़ा सा बहुत मुश्किल से खा पाऊँ क्योंकि चम्मच भी मेरे मुँह में जाता नहीं है। मिलाना ऐसे खाऊँ। और दोस्तों इधर देखो, हमारी बिल्लियाँ भी यहाँ पे सिमाई खा रही है, वो भी ईद है। हाँ बिल्ली भी सिमाई खाएगी। वो वाली कहाँ गई? दूसरी वाली कहाँ गई? वो उधर भाग रहे हैं, वो उधर भाग रहे हैं हम लोग को देख करके। उधर क्यों भागते हैं? सिमाई खाओ, सिमाई खाओ, सिमाई खाओ। रुको रुको रुको, ये ले लो, देखते ये खाते हैं कि नहीं। वो तो खाती हैं। ओह ये भी खा रहे हैं, वाह। तो मेरा मेकअप वेकअप सब कुछ हो गया था, सिर्फ बाल बांधना बाकी था। तो मम्मा ने अब मेरा बाल भी बांध दिया है, वो भी आधे घंटे लगा करके, क्योंकि मेरे बाल थोड़े बहुत उलझते हैं क्योंकि वो कर लिए हैं, इस वजह से मेरे बाल जल्दी बनते ही नहीं है। हाँ इसके बाल जल्दी बनते ही नहीं है। फिर भी मम्मा ने बहुत कष्ट किया, फाइनल मेरा बाल बन गया। और बकरीद के दिन देखो बारिश भी चालू हो गई है, ये देख लो आप। तो पापा कैसी लग रही है मैं बता? बहुत ही गंदी, अरे बहुत ही अच्छी। ये मेरी मेरी एकदम लाडली बिटिया है मेरी, तो बहुत प्यार करता हूँ मैं, उतना प्यार करता हूँ सुना, इतना प्यार करती है कि शायद सुबह होती है तो डांट बहुत प्यार करता हूँ इसको, डांटता भी हूँ, डांटता हूँ कभी कभी, थोड़ा मार भी देता हूँ इसको अच्छे से समझाने के लिए, लेकिन प्यार बहुत करता हूँ। इसको तेरे को प्यार वार नहीं करता, जानू को प्यार नहीं करता, अपने बच्चों को ज़्यादा करता हूँ, बच्चों के बाद फिर इसको प्यार करता हूँ। अच्छा, मैं तो प्यार करती हूँ। तैयार नहीं हो रही, कितना टाइम हो गया, हम लोग समय में भी खा लिए, तैयार नहीं हो रही। बारिश हो रही है, तैयार हो? मन नहीं हो रहा मेरा तैयार। अभी ईद भी मिलना है ना, अभी हम दोनों ईद भी मिलेंगे ना। ये देखो कितनी तेज बारिश हो रही है, आज बकरा ईद वाले दिन तो शायद हम लोग बाहर ही नहीं जाएंगे क्योंकि लगातार बारिश होती रहती है। तीन दिन से ऐसा ही हो रहा है, कल भी लगातार पूरे दिन बारिश हुई थी, आज भी ऐसा ही होगा शायद। तो फाइनली दोस्तों हमारी जानू तैयार हो गई हैं, हम अपने जानू से ईद मिलेंगे। ईद भी किसी करे भी किसी करे, और हमारी पूरी फैमिली को बहुत सारी दुआएं दो। और पापा तुम मम्मी को तो ईद दो। मिली दूंगा अपनी जान को दुआएं। पापा सब कुछ हो चुका है, हम लोग ने सिवाई भी वैसे खा ली, और अभी बकरा ईद, वैसे भी हम सोने जा रहे हैं, तो सोने से पहले आप हमें सोने जा रहे हो? हाँ क्योंकि वैसे भी होता क्या है, हम तो जाओ सो जाओ आराम से। नहीं हमें उससे पहले ईद ही चाहिए। अरे ईद में दिया था ना 2-2 रुपये, एक दो कितना दिया था? एक ना, हमें तो बस एक दिया था, हो गया। अच्छा हाँ मैं ईद में बोला था कि बकरी तुम लोग को बढ़ा के दूंगा ज्यादा ना। हाँ नहीं नहीं आँख बंद करो, आँख बंद करो, एकदम ज्यादा ज्यादा दूंगा आज। आ तुम भी आओ, इनको भी दूंगा। आओ आँख बंद करो, आँख बंद करो, चलो। नहीं नहीं बंद करो, आँख खोलना, बंद करो यार। जब वही तो आँख बंद करो, हाथ लाओ आगे, हाथ लाओ, हाथ तो लाओ तीनों लोग। हाँ अभी खोला नहीं, 3-2-1 गो। ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। अबे इसमें एक
ईद में एक एक रुपया दिया था, पाँच पाँच दिया, ज्यादा नहीं हुआ, चार गुना ज्यादा हो गया। पाँच रुपए में क्या होता है पापा, चॉकलेट भी नहीं आती। पाँच वाली आइसक्रीम आती खा लेना जाओ। थैंक यू तो बोलो पापा को। रुको, हाँ। पापा, हम तुम्हें पाँच सुनो, पाँच रुपए ना, अब तुम तो जादू करते ना, 3, 2, 1 करके 5,000 लाओ। 5,000 नहीं, 5,000 अबे जाओ यहाँ से। तुम्हारा चैलेंज है, लो 3-5 रुपए लो, जो हमें नहीं, यदि वापस नहीं करते बेटा प्यार से रख लेते, रख लो चलो। हेलो 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 जल्दी चलो आग बंद करो, बनाता हूँ 500। चलो आग बंद रहे, हाँ आग बंद रखना, आग बंद रखना, हाँ हाथ तो फैलाओ एक एक, हाँ खोलना नहीं जब तक बोलूँगा नहीं, हाँ रुको 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 रुको, हाँ सीधा रखो, खोलना नहीं, सीधा ही तो रखा है हमने, हाँ हाँ अभी 3, 2, 1 तो हम अभी नीचे जा रहे हैं, इनको क्या लेना है, हाँ ईद में भी इंजॉय करने के लिए, ना तो हम कहीं जा रहे हैं ना कोई हमारे घर आ रहा है, तो हम लोग बहुत अकेले रहते हैं, हमारा कोई है नहीं, ना हम लोग तन्हा इंसान है, तो हम लोग कोई मिलने आने वाला तो है नहीं, हम लोग कोई मिलने आएगा, ईद में तो कुछ लोग आ भी गए थे लेकिन बकरीद में कोई आने वाला है नहीं, जो लोग मिलने आए थे वो लोग फोन करके हम लोगों को ईद मुबारक कह चुके हैं, हाँ वो लोग बोल चुके हैं लेकिन कोई आ नहीं रहा है, हम अपने आप में अपनी पूरी फैमिली के साथ ही खुश रहेंगे, इंजॉय कर लेते थोड़ा सा। तो हम बाहर आ चुके हैं, सामने आप देख सकते हो पुलिस भी खड़ी हुई है, आपको हम दिखाते हैं हमारे यहाँ सोसाइटी में पुलिस की गाड़ी भी खड़ी है, पुलिस भी खड़ी है, ऐ देखो यहाँ गाड़ी खड़ी है पुलिस की और सामने पुलिस, देखो सामने पुलिस भी है, यहाँ मीडिया वाले भी आ गए हैं, देखो रिपोर्टर लोग, तो अभी हम इस शॉप में आ गए हैं, देखते हैं यहाँ मिलता है कि नहीं, ₹80 लिखो, बस और कोई नहीं है, वही यही डिजाइन है, बस यही है, दूसरा और अच्छा है, इससे अच्छा नहीं है, फिर इससे अच्छा ऑनलाइन मंगाना पड़ेगा, तो तुम क्या लेने जा रही हो, अभी मैं लिप ग्लॉस देख रही हूँ, लिप ग्लॉस क्या होता है, इससे लिप ड्राई नहीं होती, हाँ कलर में ले, ये लाइट कलर में, ये कौन सा कलर, ये तो ऐसे ही है, ये तो ऐसे ही नॉर्मल वाला है, तुम्हारी ने लिप ग्लॉस ले लिया, ये लिप ग्लॉस लिया, ये तुम्हारा हो गया, ये रख लो भैया, ये मुझे दिला दिया, तो इनका 100 रुपीज हुआ, यहाँ जीप भी खड़ी है, ये सोच रहा हूँ अपने लिए ले लूँ, कितने की भैया जीप, ये हाँ 8,500 की, 8,500 शादी में सफर नहीं हो रहा है, तो जल्दी खोलने जा रहा है, जादू करके दिखा, तो मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं इसको एक बार ही में निकालूं, हाँ चलो 3, 2, 1 भैया ये निकल गया, हाँ चलो गिर ना जाए, लो इसको ये पकड़ो, खोलो और हम अपने योयो को निकालते हैं, चलो तो पहले इसको क्या करना है वो मेरे को नहीं पता, ये खरीद लेंगे पता ही नहीं, पहले इसको खोल, रस्सी को ऐसे घुमा कैसे, चालू वाला ले लिया तू, तो बोला महंगा वाला ले, अच्छा वाला,
कुछ नहीं करेगा। अरे यार कैसे खेलते हैं वो मेरे को अभी सीखना पड़ेगा। ये फॉरवर्ड हो गया ना। हाँ तो अभी हम आ गए हैं नारियल पानी पीने, पर नारियल पानी पीने लेकिन नारियल पानी वाले भैया गायब हैं। ओ भैया कहाँ हो? रिव्यूज वाले रिपोर्टिंग कर रहे हैं देखो हमारी बिल्डिंग के बाहर। तो अभी मम्मा ने पापा को यहाँ पे ईदी टाइप दे दी है, नारियल पिना दिया है, ट्रीट दे दी है पापा को। पापा ही के पैसे हैं, पापा को चाहिए ना। तो वहाँ पे न्यूज वाले अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं और यहाँ पे हम अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो अभी हम बेमकसद का फालतू फालतू यहाँ टहल रहे हैं, हमको कोई काम है नहीं। हम आज ऐसी अपनी बकरीद मनाएंगे, यहाँ से हम वहाँ तक जाएंगे, वहाँ लास्ट तक, वहाँ से फिर वापस आ जाएंगे। तो हमारी गरम गरम चाय आ गई है, एक मेरे लिए और एक सालिम की मम्मी के लिए, और ये मोहितो पियेंगे, ये भी मोहितो पियेंगे ना। बारिश में कुल्हड़ में चाय पीने का अपना मज़ा होता है, मज़ा मज़ा होता है। हाँ तो सालिम को देखो फाइनली आ गया है ये। अरे वाह सालिम कर लिया। हाँ फिर से एक बार आओ। हाँ हाँ ये हाँ आ गया आ गया। शादी को वही तो आ गया है, ये नींबू पानी है। घासलेट है, हाँ घासलेट, ये घासलेट आ गया शादी का। ये घासलेट की कीमत मालूम कितनी? 80 रुपया। घासलेट सही में महंगा है, बहुत महंगा मिलता है। लेकिन हाँ बहुत ही गंदा टेस्ट है घासलेट का। वही होता है, वही वही थोड़ा 15 रुपए का। हाँ मेरे पापा के साथ भी पिया। ये अच्छा ना, इनका मुँह देखो। मोहितो में पूरा खानदान पी लिया, सालिम ने पिया, इसने पिया और ये भी पी रही है। मैं नहीं पीऊँगा, मैं चाय। तो हमारा चाय और मोहितो हो गया, अब हम चल रहे हैं घर वापस। ऐसे पीते पीते जाने में अलग ही अमीरों वाली फीलिंग। अमीर बन गई है देखो, ये मोहितो पी के फीलिंग आती है, फीलिंग एक मोहितो पी के अमीर बन गए देखो। हम अमीर नहीं है लेकिन फीलिंग आती है, करोड़पति हो गए ये। एटीट्यूड कैसे रोड दिखा दियो। टिया वाले जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, अभी शूटिंग चालू है इनकी। स्टेशन में तो लगभग 10 घंटे तक वो वीडियो फुटेज और सीसीटीवी को खंगाला गया। हम घर आ गए और मीडिया वाला वहाँ शूट कर रहा था, इसमें मेरा भी वीडियो आ गया न्यूज़ पे। अब वो कौन सा न्यूज़ वाला था मैंने देखा ही नहीं। तो अब हमारा खाना निकल गया है। तो साथ में मम्मी ने आज क्या बनाया है खाने में? बिरयानी बनाई है, और चावल है मेरे लिए। मेरे लिए क्या है? तुम्हारे लिए सालन चावल थोड़ा ट्राई करके खा लूँगा, बिरयानी तो खा नहीं पाऊँगा और कचूमर भी है। तो हम अब हम ही 4 लोग हैं और कोई है नहीं, हम ही लोग खाएंगे। ये मैं हूं, तो हम ही लोग बिरयानी है और हमारी पार्टी, हमारी बकरीद की पार्टी हो रही है। तो ये चिकन बिरयानी है और ये चिकन का सालन भी है और ये पुलाव है। सबसे पहले हमारी बिल्लियों को तो चिकन खाएंगी, वो दोनों देखो बैठी हुई हैं। मारिया ने खाना स्टार्ट कर दिया। आपको चिकन बिरयानी मम्मी कहा कैसा लगा? अच्छा ज्यादा गंदा बना बच्चा तुम्हारा कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा ज्यादा गंदा नहीं हो। बहुत ही बेकार चिकन बिरयानी बनाती है औरत। अच्छा हाँ, क्योंकि मैं खाता नहीं इसके लिए बेकार ही बोलता हूँ। ये सबसे एक मजाक है, आप लोग ऐसा सोचना मत। बहुत ही रियल में बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही गंदा बनाती है। अब हमारी बिल्लियाँ भी खा रही चिकन बिरयानी माशाल्लाह। बात देख सकते हो 1, 2, 3, 4 खाना पीना हो गया, मतलब स्टार्ट हो गया खाना हमारा। ये हो गई हमारी बकरी। अरे थोड़ा सा खाया है सालन पाव, तो पापा को पाव दे रहे तो पापा बोल रहे हम नहीं खाएंगे। पाव नहीं जाएगा अंदर। अरे थोड़ा सा चावल ले, थोड़ा सा खा के देखो।
यार। तो कुछ और बनाओ, रोटी पराठा कुछ बनाओ। कुछ नहीं, चावल गीला गीला ही चावल है, गीला ही गीला चावल है। पानी दो, कल नहीं लाने, पानी दो। ग्लास तो लेके आ जाता, ग्लास लाया ना, तो पापा से कटता नहीं है पाव, बल्कि पाव रोटी से ज्यादा नरम होता है, पर ये कटता नहीं है क्योंकि दांत पे दांत नहीं बैठता ना। और आपको एक और बात बताएं, पापा के ना दांत टूट रहे हैं, सब दांत टूट रहे हैं, सब थोड़े 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 करके दांत टूट रहे हैं, धार धार हो गए, धार। और दांत टूटने का कारण धार हो गए, समय चला, सब एकदम टूट टूट के ना, सब एकदम ऐसे खदबड़े जैसे हो गए ना। और दांत टूटने का कारण है इनका ज्यादा चाय पीना। चाय पीना, सच्ची में चाय पीना है, बहुत चाय पीते हैं, तो एक से मरेंगे, 5 मिनट भी नहीं रुकेंगे, फिर पियेंगे। अच्छा, तो पापा कुछ खा नहीं पाते तो फिर क्या करें, या तो जूस पिए हैं, कुछ खाता नहीं पीता नहीं, चाय पीऊं क्या करूं फिर मैं। तो दोस्तों, हमने सुबह 6 बजे ब्लॉग चालू किया था, अब शाम के 6 बज गए हैं, तो हमारी आज की जीत हो गई, ना तो हम कहीं गए, ना तो हमारे यहाँ कोई आया, तो रियल में हमारी लाइफ ऐसी ही है, हमारे बहुत कम ही मतलब मिलने जुलने वाले हैं, आप लोग समझ सकते हो ऐसा क्यों है। तो इस वीडियो को हम यहीं आज एंड करते हैं, उम्मीद है आप लोग को शायद ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगे, क्योंकि हम ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाए, बस घर का ही दिखाए। हमारे यहाँ कोई एक मिनट, हम ज़्यादा लोगों ने ही मिलके मतलब ईद का सेलिब्रेशन कर लिया, हमको तो अच्छा लगा, मतलब थोड़ा थोड़ा रोना भी आता है, मतलब मुझे तो रोना आता है, लेकिन हम क्या जान लो, जावे तो हाँ, कोई बात नहीं, ये लाइफ हमारी यही लाइफ, रियल लाइफ हमारी यही है, हमारी रियल लाइफ यही है। पिछले साल भी हम लोग बकरीद में ऐसे ही, हम लोग पिछले साल भी बकरीद में, हम इसी रूम में बकरीद मनाए थे, पिछले साल भी कोई नहीं आया था, इसी तरह हम लोगों ने, चारों लोगों ने ईद में तो अब भी आ गए थे कुछ लोग, इसी तरह हम लोग पिछले साल सेम मतलब पिछले साल जो हुआ अभी भी हुआ, तो इस वीडियो को एंड करते हैं, अगर थोड़ा बहुत अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।